मंडी बहाउद्दीन वफाकी वजीर कानून आजम अली तारड़ ने कहा कि हमारी मस्जिद बैन अल-अक़वामी मस्जिद के साथ प्रेशर में है। हम एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने के बजाय पाकिस्तान का इत्तेहाद फराहम करने की जरूरत है। वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट रूम में वकला के लिए सादिक तारड़ मेमोरियल लाइब्रेरी का इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अहसन हून, अमरीका से सीनियर एडवोकेट साजिद तारड़, अमरीकी सुख कम्यूनिटी के सदर जसदीप सिंह भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर कानून आजम अली तारड़ ने कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुश्किलात से निकल रहा है। अपोजिशन जमातें ज़ाती मफाद के बजाय पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन को यह समझना चाहिए, अगर मिलकर नहीं बैठेंगे तो मुल्क की मसाइल हल ना होंगे। उन्होंने कहा इमरान खान साहब को वोट की हुरमत और जमहूरियत के तकद्दस का ख्याल होना चाहिए। इमरान खान कभी इलेक्शन चाहते हैं तो कभी अहम तैनाती में अपनी मशावरत चाहते हैं। उन्होंने कहा कि खान को सबसे ज़्यादा परेशानी इकदार छिन जाने की है। शहबाज शरीफ मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, आनी तरीके से हुकूमत हासिल की है।